इंदौर की परदेसीपुरा पुलिस ने मारपीट और वसूली की धाराओं में फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश सूरज उर्फ रोहित द्वारा सर्वहारा रहने वाले देवेंद्र नामक युवक से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की थी। प्रकरण पंजीबद्ध के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एनटीसी कलाली में बदमाश धारदार हथियार के साथ बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा है। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी सूरज को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके पास से धारदार चाकू भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी पर आधा दर्जन से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध है। परदेसीपुरा में 27 अक्टूबर को प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट लेकर आई गई थी कि उसमें सरवारा नगर निवासी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और पैसे न देने पर उसके द्वारा चाकू से हमला करना बताया गया था, जिस पर प्रथम सूचना दर्ज की गई और आरोपी के तलाश के हर संभव प्रयास किए गए लेकिन नहीं मिले। उसके पश्चात ये पता चला कि आरोपी कहीं भाग गया है। उसके द्वारा एसपी महोदय पूर्व द्वारा उस पर 2000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी सूचना मिली थी, जिसके पीछे लगी रही पुलिस, जिसको कल दिनांक को एनटीसी कलाली के पास फिर वही घटना दोहराना चाह रहा था तथा चाकू लिए लोगों को आने जाने वालों को चमकाया रहा था, जिसको कल मैं चाकू की गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसके पूर्व में भी थाना परदेसीपुरा में 5 से 6 अपराध इसके खिलाफ पंजीबद्ध हुए हैं और चूंकि वर्तमान में ये फिर इसके द्वारा एक अपराध किया गया था, जो उस पर मामला कायम कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया।